हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुलूस किचन। फ्रेंड्स, आज हम ठेले वाले जैसी चटपटी दही बटाटा पूरी बनाएंगे। जब भी कभी शाम को आपको कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप इसे झटपट जरूर बना सकते हैं। आज मैं आपको मीठा दही कैसे बनाते हैं, आलू मसाला कैसे बनाते हैं और इसे दही बटाटा पूरी को कैसे असेंबल किया जाता है यह बताऊंगी। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। फ्रेंड्स, रेसिपी में जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए उसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, तो आप जरूर चेक कर ले। सबसे पहले मीठा गाढ़ा दही बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम गाढ़ा फ्रेश दही लिया है। अब उसमें 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डालना है। स्वादानुसार चीनी को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ टिप्स यह है कि इसमें पिसी हुई चीनी ही डालना है। दही की कंसिस्टेंसी इससे गाढ़ी रहती है, पतली नहीं होती है, इस बात को ध्यान में रखना। चम्मच से चीनी को मिक्स कर लेंगे। बाद में हम इसे हैंड बीटर से मिक्स कर लेंगे। पिसी चीनी डालने से इसे पिघलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। हैंड बीटर से इसे 5 मिनट तक एक साथ एक ही डायरेक्शन में इसे फेंकना है। इससे दही एकदम सॉफ्ट बनती है। दही को आप स्ट्रेनर से या मलमल के कपड़े में डालकर भी छान सकते हैं। इससे भी दही बहुत ही सॉफ्ट बनती है और इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे इस दही को साइड में रख देंगे। अब दही बटाटा पूरी के लिए खास स्पेशल मसाला बनाएंगे। इसके लिए एक बाउल लेंगे। इसमें 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। मिर्च को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। चम्मच से इसे मिक्स कर लेंगे। यह रेडी हो गया स्पेशल मसाला। अब इसे साइड में रख देंगे। अब पानी पूरी की पूरियां लेंगे और इसे हाथों से इसको फोड़ लेंगे। बीच में इसे होल्ड करना है। फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए। यह बिल्कुल फ्री है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब चटपटा आलू का मसाला बनाएंगे। इसके लिए एक बाउल लेंगे। उसमें 3 से 4 उबले हुए आलू को लिया है। यह आलू को आप पीसेस में कट कर ले या इसे रफली स्मैश भी कर सकते हैं। अब उसमें आधी छोटी कटोरी उबले हुए मूंग के स्प्राउट डालना है। अब इसे चटपटा बनाएंगे। जो हमने मसाला रेडी किया था वह 1 चम्मच या 1.5 चम्मच आपको डालना है। अब इसमें 1 छोटा प्याज को बारीक चॉप करके लिया है, वह भी डाल देंगे। बारीक कटा हरा धनिया इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाला टेस्ट करके देखें, कुछ कम ज़्यादा हो तो आप इसे ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करें। स्वादानुसार नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यह रेडी हो गया आलू मसाला। इसे साइड में रख देंगे। अब दही बटाटा पूरी को कैसे असेंबल किया जाता है यह देखते हैं। प्लेट में आपको जितनी पूरियाँ चाहिए उतनी लेनी है। एक एक करके सारे पूरी में आलू का तैयार मसाला फिल कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही चटपटी दही बटाटा पूरी बन रही है और इसे देख के मुँह में बहुत ही पानी आ रहा है। इस तरह सारी पूरी में आलू मसाला फिल कर दिया है। सारी पूरी में आपको फीकी बूंदी ऐड करनी है। यह बूंदी आपको हलवाई के दुकान में इजीली मिल जाएंगी। पूरियों पर अब तैयार किया हुआ चाट मसाला स्प्रिंकल कर देना है। इमली की चटनी को थोड़ा थोड़ा पूरी में डाल देंगे। फ्रेंड्स, हलवाई स्टाइल इमली की चटपटी चटनी और चाट वाली हरी चटनी का वीडियो चैनल पर अपलोड है। वीडियो की लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस वीडियो को आप जरूर देखें।
फ्रेंड्स, इसी के साथ पानी पूरी का तीखा चटपटा पानी कैसे बनाएं और पानी पूरी का आलू मसाला और गुजराती स्टाइल शेव पूरी कैसे बनाएं, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप इसे जरूर देखें। अब उस पर चिल्ड फ्रिज में रखा हुआ दही ठंडा ठंडा ऐड करेंगे। इसी के साथ थोड़ी हरी चटनी, इमली की चटनी भी इस पर डाल देंगे। अब उस पर फीकी बूंदी ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहे तो इस पे बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं और इसमें कुछ अनार के दाने डाल देंगे। अनार के दाने डालने से इसका लुक बहुत ही बढ़िया दिखता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। थोड़ी सी बारीक शेव इस पर डाल देंगे। बारीक शेव आपको हलवाई की दुकान में इजीली मिल जाएंगी। एकदम ठेले वाली जैसी दही बटाटा पूरी बनकर रेडी है। इसे देखकर आपके मुंह में भी पानी आ गया ना फ्रेंड्स। यह दही बटाटा पूरी बहुत ही टेस्टी बनी है। पहले इसे चटनी बनाकर तैयार करके रखें तो इसे झटपट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें और फ्रेंड्स परिवारों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।